The wave of development across the state of Chhattisgarh has proven to be a setback to the devious agenda of the left radicals, the agenda of impeding development. Exasperated over their shrinking influence owing to massive developmental strides taken by the government, the Naxals have grown increasingly fanatical and desperate to register their presence in parts of Chhattisgarh. Recently, the Naxals unleashed mayhem as they set ablaze the transport vehicles, trucks, other public infrastructure and private property. These so-called defenders of the tribal rights have actually seized the employment of poor villagers. However, their repeated acts of violence and vandalism have substantiated the fact that Naxals are no guardians of tribals, which they have been claiming to be for years. माओवादी अपने उनका उद्देश्य मुझे नहीं दिख रहा है जैसे कि अभी आपने देखा था 8 तारीख की बात है दो बसों को यहां से बलाडीला से जो दो बसें जा रही थी दो बसों में आगजनी की गई उस आगजनी में तो आगजनी में जो भी मुसाफिर हुए उनको तो बहुत दिक्कत हुई साथ में जब मॉर्निंग में हमें जस्ट में मीडिया से पता चला कि एक बॉडी उसमें मिली है तो ये इस टाइप की हरकतें इस टाइप का उनका अंदाज ये समझ से परे अगर आप विकास की बात करते हो तो हमें बता दें कि आज हम दक्षिण बस्तर बेलाडीला में रहते यहाँ पर मतलब अस्पताल की सुविधा हमारे पास नहीं है हमें विशाखापट्टनम जाना पड़ता है एक ही गाड़ी है एक ही पैसेंजर है आए दिन उस पैसेंजरों की आप फीस प्लेट उखाड़ देते हैं उस पैसेंजर को रोक देते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं सब जगह आगजनी बस को जलाया जा रहा है ट्रेन को डीरेल किया जा रहा है NMDC का पंप हाउस जलाया जा रहा है जो पब्लिक सेक्टर है इससे कईयों गाँव इस NMDC के पैसे से कईयों गांव को डेवलप किया जा रहा है PSR मत से इस क्षेत्र में तो काफ़ी दहशत है लोग रात को निकलना बंद हो गया है लोग अपने घरों में रहते हैं ड्यूटी वाले भी ड्यूटी नाइट शिफ्ट जो जाते हैं वो भी दहशत में काम करते हैं तो ये तो प्राइवेट का विरोध करते तो क्या पब्लिक सेक्टर का विरोध कर रहे हैं इससे तो वही लोग जानेंगे अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते इस विषय में किस प्रकार का नुकसान NMDC को हो रहा है NMDC को प्रोडक्शन का नुकसान हो रहा है और भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं अभी जैसे मेलंगर का पंप हाउस जलाया गया तो कितने वहाँ के लोकल गांव वाले थे उनको बेरोजगार हो गए हैं People of Chhattisgarh seek peace and development and want to avail the benefits floated exclusively to help them lead a prosperous life. However, the enemies of the state who have been pushed on the back foot owing to multi-pronged strategy of the government have taken desperate steps now to take control of the region.